सप्तांचल की धर्म नगरी चित्रकूट धाम में मनमास माह की अमावस्या पर भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। मंदाकिनी नदी में स्नान कर भगवान कामता नाथ स्वामी के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा भी की। वहीं मझगवा SDM जितेंद्र वर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हमने कल ही पूरी तैयारी कर ली थी। आज सुबह से ही लगभग 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कामतानाथ स्वामी के दर्शन कर परिक्रमा लगा रहे हैं। यहाँ हर अमावस्या में विशेष तौर पर व्यवस्था एक सुचारू रूप से जो व्यवस्थित है, पार्किंग स्थल है, कहाँ कहाँ वन वे करना है, कहाँ से ट्रैफिक रोकना है, ये सब व्यवस्था पहले से बनी हुई है। पिछली बार देखा गया था कि सोमवती अमावस्या में अंदाज से कुछ ज़्यादा भीड़ अचानक एक विशेष मुहूर्त होने के कारण हो गई थी, तो पिछली बार जो कमियाँ लगी थी कि ये व्यवस्था और हो सकती है, वो इस बार व्यवस्था प्रशासन के साथ मिलकर दूर करने का प्रयास किया गया और उसी का परिणाम आप देख रहे हो कि इस बार शांतिपूर्वक चल रहा है। हम लोगों ने पूरे दल बल के साथ, पुलिस हमले के साथ, राजस्व हमले के साथ, जो भी कमियां हमें कल नज़र आई पूर्व संध्या पर ही हम दोनों विभागों ने मिल करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया था। रह गई बात, क्योंकि आपका ये कहना है पुरुषोत्तम मास का अंतिम जो अमावस्या आज दिन पड़ा है, इसमें भीड़ होना असंभावित थी और भीड़ है भी, लेकिन पिछली सोमावती अमावस्या के परिपेक्ष से और तुलना करें तो भीड़ जो है अभी उतनी नहीं हुई है। फिलहाल टेंटेटिव जो भीड़ अभी हम लोगों को जो आंकड़ा देखने को मिला है, जो हमने आकलन किया, 8 से 9 लाख करीब आज अभी जो समय हो रहा है, अभी तक कितनी भीड़ हो रही है।